जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम्हें तो पता है ना, बिजनेस में ये सब कुछ होता ही रहता है। डोंट वरी, हम दोनों मिलकर ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ओके जी, डोंट वरी, जैसे ऐसा कुछ हैंडल कर लूंगा। शशि, ये प्रॉब्लम मेरी है और इसे मैं ही सॉल्व करूंगा। ट्रस्ट मी, इसका असर मैं तुम पे, हमारे बच्चे पे नहीं होने दूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि आर्यन हमसे गुलमोहर झेल ले और हम सिर्फ देखते रहे। एडवांस भी टूट जाएगा लेकिन तुम्हारा ये सपना कभी नहीं टूटेगा। जैसे मुझे सिर्फ थोड़े दिन चाहिए जैसे, उसके बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं गुलमोहर को तुम्हारे अलावा, जैसे इतना नेगेटिव मत सोचो सब। ये प्रॉब्लम, ये लड़ाई तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जैसे मैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे मैं जानती हूँ पापा जी, इस वक्त अरमान को सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है। मैं अरमान को बिल्कुल भी टूटने नहीं दूंगी। देखिए हमारा तुम अंधेरे में क्यों बैठे हो अरमान? देखो ना, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अरमान, मैंने तुमसे कहा था ना कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, और जब तक हमारे पास बाबा जी का आशीर्वाद है ना, हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जोड़ी कुछ पति जस्सी को होना चाहिए, पत्नी। पता है अम्मा, तुम्हारा प्यार हमेशा मुझे बहुत हिम्मत देता है। जब तुम मेरे साथ होते हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे मुझे जिंदगी में और कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा लगता है जैसे मुझे जिंदगी में और किसी भी चीज की जरूरत नहीं। अमान, आर्यन घर में आया था ना, उसने घर के पेपर्स वापस दिए? अगर दिया तो फिर ये चेक किसने फाड़ा? ये तो वही चेक है जो मैंने आर्यन को दिया था। अरमान, आर्यन आया था और अपने साथ घर के पेपर्स भी लाया था। तो फिर ये चेक? इस चेक को मैंने फाड़ा। लेकिन अरमान, तुम तो जानते हो ना ये क्यों? तुम अपने आप को समझते क्या हो? जैसे क्या साबित करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहती हो, क्या प्रूव करना चाहती हो दुनिया कि तुम मुझसे ज्यादा कैपेबल, मुझसे ज्यादा समझदार हो? या फिर ये प्रूव करना चाहती है कि जो काम मैं नहीं कर सकता वो तुम कर सकते हो? कि अरमान सूरी जैसे कि मेरा कुछ भी नहीं? या फिर ये साबित करना चाहती हो कि मैं अपनी बीवी बच्चे अपने घर का ख्याल नहीं रख सकता? क्या साबित करना चाहती हो? जैसे मैं पूछता हूं, क्या दिखाना चाहती हो? जैसे आंसर मी नाउ। अब जिंदगी में कुछ भी तुम्हारा या मेरा नहीं है, जो कुछ भी है वो हमारा है। मुझे गलत मत समझो अरमान। जैसी समझने की कोशिश तुम करो। इस वक्त तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारी प्रायोरिटी ये बच्चा होना चाहिए। तुम प्लीज किसी और मामले में उलझने की कोशिश मत करो, प्लीज। लेकिन अरमान, मैं जैसी, ये फाइनल डिसीजन है। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। जानती, लेकिन तुम भी तो जानते हो ना कि मैं एक साथ दो दो काम मैनेज कर सकती हूँ। दो चीजें एक साथ मैनेज, जैसी तुम तो सब कुछ मैनेज कर सकती हो, बल्कि तुम तो वो सब मैनेज कर सकती है जो मैं मैनेज नहीं कर सकता।
क्योंकि गलतियां तो सिर्फ मैं ही करता हूं। मैं मानता हूं मैंने गलती की है जैसी, लेकिन मेरे साथ धोखा भी हुआ है। अरमान सूरी धोखा खा गया। जैसी ये प्रॉब्लम्स किसी और की नहीं, ये प्रॉब्लम्स मेरी हैं और इन्हें सॉल्व भी मैं ही करूंगा। किसी और? अरमान, मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारी जैसी। जैसी ये प्रॉब्लम हमारी मेरी अरमान सूरी और इस प्रॉब्लम में हम सिर्फ मैं हूं जैसी, अकेला। क्या है जी, आज पता चला सर पर पहाड़ कैसे टूटता है। अरमान जस्सी देख बेटा, ये क्या नोटिस आ गया है, कयामत आ गई थी। घर भेजने का नोटिस? हाय हाय, इलार पुरू के जाते ही घर भी चला गया और तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं कि घर भेज दिया, घर गिरवी रख दिया। सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो अजी चुप हो जाइए प्लीज, क्वाइट। कम से कम आप तो समझिएगा, अगर इस तरीके से शोर मचाएंगे तो सारी दुनिया हमारी बातें सुनेगी। अरे अब तो लोग देखेंगे भी और चिल्लाएंगे भी, किस किस का मुंह बंद करते रहोगे, सारे जलंधर में शोर फैल जाएगा। हाँ मैंने घर बेच दिया और सारे के सारे पैसे बिजनेस में लगा दिया, बताइए क्या कहना चाहती हैं। हाँ तेरा पैसा था ना जो तूने लगा दिया। अरमान प्लीज शांत हो जाओ। और शांति तो बुआ जी फैला रही जैसी। अरमान, बुआ जी आई एम सॉरी, मैं अरमान की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। बिजनेस को लेकर अरमान काफी परेशान है बुआ जी। मुझे तुम्हारी प्रॉब्लमों से क्या लेना देना, तुम जानो और तुम्हारा बिजनेस। डोंट वरी अरमान, घर से बेघर तो हम हो ही गए जैसे, वो भी मेरी वजह से। सारी गलती मेरी है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है अरमान, और ये प्रॉब्लम तुम्हारी अकेले की नहीं है। तुम अकेले नहीं हो अरमान, शादी के बाद कुछ भी तुम्हारा और मेरा नहीं होता, जो भी होता है वो हमारा होता है। जिंदगी का हर दुख सुख हमारा है अरमान। लेकिन ये प्रॉब्लम मेरी है जैसे। अरमान स्टॉप इट, तुम क्यों बार बार अपने आप को ब्लेम कर रहे हो? क्यों हमारी जिंदगी में अगर तुम्हारी खुशियां मेरी हो सकती हैं तो तुम्हारे दुख मेरे क्यों नहीं हो सकते? मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी, मैं तुम्हें नीचा दिखाना नहीं चाहती थी अरमान। मैं मानती हूँ मैंने तुम्हें लोन के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन लोन तुम लो या मैं लूँ बात तो एक ही है ना। मेरी जगह तुम होते तो तुम भी यही करते अरमान। पर तुमने कर दिया जैसे। तुमने कर दिया क्योंकि तुम जैसी हो, पर मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं अरमान सूरी हूँ। अरमान सूरी जैसे के बिना तो कुछ भी नहीं है ना। शायद इसीलिए बैंक ने तुम्हें लोन दे दिया लेकिन मुझे मना कर दिया। अरमान, मैं ये नहीं जानती कि बैंक ने तुम्हें लोन क्यों नहीं दिया। शायद इसलिए नहीं दिया क्योंकि मार्केट में बात फैल गई थी कि तुमने 5 करोड़ का लोन ऑलरेडी ले लिया है और तुम्हारी डील गड़बड़ हो गई। अरमान, इस वक्त हमें उनकी प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना, हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और फिर हमारे लोन का मकसद तो एक ही था ना, हमारे घर को बचाना। हमें दूसरों की परवाह नहीं करनी चाहिए अरमान, हमें एक दूसरे से मतलब रखना चाहिए। अगर हमारे सर से छत चली भी जाए तो भी हम एक दूसरे का साथ देंगे अरमान। दुनिया की कोई भी ताकत हम दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती अरमान। छत के छूट जाने से हमारा रिश्ता तो ना टूट जाएगा अरमान, कुछ नहीं होगा। अभी तो नोटिस आया था, अभी अखबार वाले भी आ गए कैमरा लेकर।
खबर तो आ कितना फैल जाएगी। हम यहां से चले जाएंगे अरमान, हम यहां एक पल भी नहीं रुकेंगे, लेकिन हम जहां भी जाएंगे एक दूसरे के साथ रहेंगे अरमान। ये दुनिया बहुत बड़ी है अरमान, हम कहीं भी चले जाएंगे। ऐसे कैसे कहीं भी चले जाओगे बेटा? सब ठीक हो जाएगा बेटा। एक बात मत भूलना कि शहर में तुम्हारे लिए एक और भी छत है। माँ बाप भी तो बच्चों के लिए छत ही होते हैं ना। अब रब झूठ ना बुलवाए जी, मेरी इतने छोटे से घर में रहने की आदत नहीं है, और फिर जब मेजबानी घर से जा रहे हूँ तो फिर मेहमान रहकर क्या करेंगे। वैसे मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि मैं तो अपने जालंधर वापस चली जाऊंगी। अब चलती हूँ, अपना बोरिया बिस्तर पैक करूँ, कहीं घर के साथ वो भी ना चला जाए। ठीक है बुआ जी। नंदू तू बुआ जी को स्टेशन छोड़ाना। और देख लेना इन्हें कोई तकलीफ ना। चलो बच्चों अपने विक्टोरिया महल चलते हैं। जिसके लिए है बनाया शीशे का ये घर, जिसके लिए है बनाया शीशे का ये घर, वही सामने है लिए हाथों में पत्थर, मैं जिसके नाज उठावा वो चाहे मैं मिट जावा, मैं उसके सदके अरमान कहाँ चला गया? अरमान अरमान मिसेज जसमीत सूरी प्रेग्नेंट है, मगर यही बात अगर इनके पति ने सोची होती इतनी बड़ी बेवकूफी करने से पहले तो ये नौबत नहीं। ये कोई वक्त था जैसे के साथ ये सब करने का? यही वक्त है कि मैं अरमान के लिए कुछ करूं। ये पल ये लम्हे ये जब तुम्हें खुशियों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरी खुशी तुम हो अरमान,
और तुम्हारी खुशी मेरी जिंदगी। और मैंने तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन ली, तुम्हारी हंसी तुम्हारी खुशी सब खत्म कर दिया मैंने। मेरी खुशियां तुमसे ही शुरू होती हैं अरमान, और तुम पर खत्म हो जाती हैं। सब कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, मैंने तुम्हें अधूरा कर दिया। जैसे हम दोनों एक दूसरे से ही पूरे होते हैं अरमान। मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू भर दिए। जैसे मेरी आंखों में सिर्फ तुम समाये हो अरमान, और तुम रो रहे। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। अरमान टूट रहा है बाबा जी, मैं अपने अरमान को टूटते हुए नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। मुझे हिम्मत दीजिए बाबा जी, मुझे हिम्मत दीजिए अरमान के लिए। मैं आज से अपने आप को और अरमान, हम दोनों को संभालूंगी। बस आप अपना हाथ मेरे सिर पर रखे रखना। मैं अपने आप से वादा करती हूँ बाबा जी, मैं वादा करती हूँ कि मैं अरमान को उसका उसका मान सम्मान इज्जत सब सब लौटाऊ। मैं अपने अरमान को अरमान से अरमान सूरी बनाऊंगी। मैं वादा करती हूँ बाबा जी, आई प्रॉमिस।